बुलंदशहर के जिला अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में रखी फाइलों को फाड़ दिया और तोड़फोड़ की। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और युवक के परिजनों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन परिजन नहीं माने। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में यह लोग सिर्फ इसलिए हंगामा कर रहे हैं क्योंकि अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की अचानक मौत हो गई। हालांकि आपको बता दें कि CMS का दावा है कि गलत इंजेक्शन लगाने से मौत नहीं हुई और बराबर इलाज दिया गया। युवक को कोई और भी रोग हो सकता था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। क्योंकि मरने से बड़े हंगामा हो गया, क्या मामला, क्या वजह थी? हाँ, मेरे को एक्चुअली मैं ओपीडी में मरीज देख रहा था, तो करीब 9:30 बजे करीब मेरे पास जो वार्ड आया थी, वो मरीज की डेथ हो गई है और कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं वार्ड में। मैं स्वयं गया तो मैंने देखा मरीज, वो कल भर्ती हुआ है 12:30 बजे करीब, 10 घंटे का मरीज था, लेकिन देखने में बहुत ही सूखा सा और टीवी का मरीज प्रतीत हो रहा था। हो सकता है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए थे, उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन होने के लिए कि उससे पहले उसकी मौत हो गई, अचानक कोलैप्स कर गया। सर, परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के चलते स्टाफ नहीं देखने आया था। परिजनों का आरोप किसी जगह सही हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि जब हम भर्ती करते हैं सीरियस मरीज जो होता है उसको पहले ही सब बता देते हैं, अगर मरीज को रेफर करने की सलाह देते हैं, लेकिन कुछ मरीज जो जबरदस्ती भर्ती हो जाते हैं कि हम हमारी जिम्मेदारी है और आप यहीं भर्ती करके हमारा इलाज करिए, तो उसमें मैं कह नहीं सकता किसकी गलती है क्या है, और हमारी तरफ से कोई गलती नहीं करी है। मरीज सुबह तक भी ठीक था, बताया मरीज ने तो सुबह भी अपने आप ही टॉयलेट करके आया है, मेरे ख्याल से सडन कोलैप्स हुआ है। वो उसकी वजह हो सकती है उसको बहुत ही थिन एंड लीन मरीज है वो, और हो सकता है उसको अंडरलाइन पैथोलॉजी को बीमारी पहले से भी चली आ रही हो, पट्टी की टाइप कोई सीरियस बीमारी हो सकता है उसके अंदर, ऐसा मेरी जानकारी। यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं आया है, कोई डॉक्टर नहीं आया, पूरी रात लड़का परेशान था यहाँ पे, और सुबह भी उसने बात करी है, सुबह डॉक्टर नहीं जो भी आई है स्टाफ यहाँ पे, उसने ना तो इसकी ड्रिप लगाई है ना इसकी हालत देखी है। आते ही जो यहाँ पे बोतल लगी हुई इंजेक्शन लगे हुए थे, एक साथ दो इंजेक्शन लगा दिए हैं जो बहुत हैवी डोज के थे, जो कल 7 बोतल लगने के बाद इंजेक्शन लगे थे, वो खाली पेट पूरी रात बोतल ना लगने पर इसके इंजेक्शन लगे हैं। किसने लगाए थे इंजेक्शन? ये बता रहे हैं स्टाफ लेडीज आई थी यहाँ पे, नर्स जिसे निकाल के दिया है, जो यहाँ आई नहीं हुई है, सामने नहीं आ रहे हैं, सुबह भी लड़का बोला हॉस्पिटल में सफाई नहीं है, पुलिस ने आपसे क्या कहा? हमसे ये बोल रही है कि ये हमारा जैसा आपका ऐसे हमारे लिए है, अब ज्यादा कुछ मत करिए, डॉक्टर तो किसी की दुश्मनी नहीं है डॉक्टरों से, आप ज्यादा करोगे हम आपको वही केस कर देंगे, क्योंकि हम गरीब लोग हैं इसलिए हम वही केस करेंगे डॉक्टर लोग। वैसे ये भी बता रहे हैं जैसे आपका भाई बेटा है ऐसे हमारा भाई बेटा है, अगर ऐसा समझते हैं तो ये ऐसा कर लेते, एक जरा से लापरवाही से 15 साल का मेरा भाई चला गया, मेरे बाबू का इतना बड़ा बेटा भला भलाया चला गया, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो तुम वापस कर देते, चाहे हम कहीं दिखाते हमारे घर में खत्म होता तो हमें एहसास नहीं होता, या डॉक्टरों की देख रेख में यह हाल होता।